या किस जिंदगी को वो अपनी जिंदगी को किस तरफ कर रहे हैं, क्यों चेंज कर रहे हैं? मतलब आप कहना चाह रहे हैं शॉर्ट एंड कट में कि जो उन्होंने मंदिर बनाया जो कि दुबई के अंदर, वो काम सही नहीं किया? हाँ, बहुत गलत काम किया। इसमें गलत क्या है, गलत का इसमें गलती क्या कहाँ हो रही है? क्या मंदिर बनने से हमारी इबादत कम होगी? क्या मंदिर बनने से हम मुसलमान नहीं रहेंगे? क्या मंदिर बनने से हमारी नमाज कबूल नहीं होगी? क्या मंदिर बनने से अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाएगा? इसमें क्या कुछ शॉर्टकट होगी, आप अपने तरफ से कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, देखे ना, बात यह है, अगर वो अपने दीन पे रह रहे हैं, दीन पे, तो दीन पे आप देखें ना, वापस अपनी हिस्ट्री में चले जाएं। पहले तो वो उन्होंने सारे बुत गिराए हैं, वही तो लोग थे बुत गिराने वाले, ठीक है ना। अभी वही उनकी वो जो पीछे खून में उनके वो खून में जो था, अब वो जाग पड़ा है। उनको वो पीछे वाली जो हिस्ट्री है उसमें खून में जो शामिल थी चीज़, अब वो जागने शुरू की है उनको। तो मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो पिछले हमने बुत गिराए हैं उसको दोबारा बनाकर तो हम दोबारा से उसको दावत दे रहे हैं हिंदुओं? मेरा ख्याल है कि ये अच्छी बात नहीं है। आज उन्होंने बनाया, कल कोई और बनाएगा, ये शुरुआत अच्छी चीज़ नहीं है। अगर मतलब आप कह रहे हैं कि सही नहीं है, गलत है, बिल्कुल गलत है, गलत है। पाकिस्तान में भी बन रहा था मंदिर, तो पाकिस्तान में बनाने नहीं दिया गया, क्या समझते हो आपके ये अच्छा किया या गलत किया? ठीक है, नहीं बनने देना, नहीं और नहीं बनने देना चाहिए, नहीं बनने देना चाहिए। अगर मंदिर बनता तो उससे क्या नुकसान होना? नुकसान क्या होना था? दीन इस्लाम का नुकसान होता है। क्या नुकसान? मानों का नुकसान होता है। एक तरह काफर है, वो अपनी मर्जी से जीता है, सलाम को नुकसान होता है। काफर के बच्चों में और मुसलमान के बच्चों में बहुत फ़र्क होता है। कौन सा फ़र्क होता है? ठीक है, मुसलमान का बच्चा जो है वो जिधर भी जाएगा मुसलमानी तरीके से जिएगा, काफर जिएगा अपने तरीके से। और काफर का माहौल जब आप लाएंगे तो आप लोग भी मुसलमानों से हटकर काफर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। अब मौलाना साहब, आप क्या करते हैं, कोई इस्लामी दीनी तालीम में? खिदमत करते हैं। किस चीज़ की? कौम और मुल्क की। कौम और मुल्क की खिदमत, क्या किस हिसाब से? जैसे कोई कराना चाहे। नहीं नहीं, आप कुछ बताएं ना, अपने थोड़ा तारुफ करवाएं ताकि वाली चीज़ें होती, कुछ नहीं बताएं। अच्छा, मतलब कि पुलिस महकमे से हैं या फिर कोई किसी? ठीक हो गया, किसी और? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया सर। पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम है, कफार की कोशिश है कि मुसलमानों को दबा के रखें। ठीक है, अब मुसलमानों को नहीं दबा सकते, वो खुद मिट रहे हैं, इसलिए वो अपना बढ़ाना चाहते हैं। सर, अगर पाकिस्तान में मंदिर बनता तो आपको नहीं लगता कि हमारे नबी ने तो कभी भी नहीं कहा कि उस मंदिर को गिरा दो, या यहाँ पर मंदिर नहीं बनना चाहिए या यहाँ पर मंदिर बने? बात बताऊँ आपको जी। आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुसलमान है तो मुसलमान जब जहाद छोड़ देंगे तो काफिर हैवी हो जाएगा आप पर। ठीक है, इमरान खान हुकूमत आई, इमरान खान ने सबसे पहले यही काम किया, जहादों की तंजीमों पर पाबंदी लगाई। पाबंदी लगाने का क्या मतलब होता है? काफर को हैवी करना अपने ऊपर, जहाद अब काफर को हैवी करना अपने ऊपर। जब मुसलमान जहाद लड़ते हैं तो पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम होता है, होल्ड होता है। जब मुसलमानों को आप दबा के रखेंगे तो क्या होगा? सर, हर चीज का हल जहाद नहीं है, हर चीज का हल जहाद। आजकल के एक और जैसे कश्मीर का जो टॉपिक था, मसला था, जब वहाँ से इमरान खान साहब आए हैं तो उनको इधर पता चल गया, मोदी ने बोल दिया कि यह अब कश्मीर में कोई भी हिंदू प्रॉपर्टी ले सकता है, कश्मीर हमारा हिस्सा बन गया, ये वो। उस पर एक्शन लेना चाहिए था, उस पर अलर्ट होना चाहिए था, या हम वो कबूतर की तरह हमने आंखें बंद कर ली? जब हम आंखें बंद कर लेंगे तो वो बिल्ली ने तो पकड़ना ही पकड़ना है ना। सर ने जहाद की बात की, बात कह रहा हूँ। देखें, जब तुर्क उस्मानिया हुकूमत थी तुर्क की, अब जाए नहीं, जब उस्मानिया हुकूमत थी तुर्क की, उसके बाद जब अंग्रेज़ ने वो उनको जो उनका बाबा तुर्क वो हैं उन वो आए हैं, उसके बाद जब मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगी चेंज किया है, तो फिर यही जो अंग्रेज़ लोग थे, ये लोग क्या कह रहे थे कि देखो, वो कह रहे थे कि हमारी ज़िंदगी को मिसाल बनाकर ज़िंदगी जियो, और हम वो देखो, वो तुर्क देखो, वो अभी हमको कह रहे होंगे, वो लोग देखो कि वो हमारी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो इंडिया वाले जो बुत वाले हैं या कुछ लोग हैं, अभी वो खुद कहेंगे ये यार, आप लोग बुतों से कह रहे हैं, वो देखो दुबई में हमारे बुत खुद बना रहे हैं, पाकिस्तान में वो देखो हमारे बुत खुद बना रहे हैं। तुम दीन किसी हिंदू को, किसी हिंदू ने कभी ये तो नहीं कहा कि इंडिया में कितनी ज़्यादा मस्जिदें हैं? सर, आपको पता है? एक बात बताऊँ आपको। जी जी, हम खुद क्यों बना रहे हैं, वो बनाते हैं अपना। 1400 साल पहले सरकार ने फरमाया था, एक ऐसा वक्त आएगा रोज़ा रसूल मस्जिदें बंद हो जाएंगी, काफिर की चाल हो गई। तो कोरोना आया, बंद हुई हर चीज़, मुसलमान किसने फासले पर खड़े होकर नमाज पढ़ते रहे? घूमते क्या करती हैं? इसमें हमारा कसूर नहीं है, हमारी गलती करती हैं। गलती नहीं, हमारी गलती नहीं होती है, गलती होती है ना, गलती होती है। मेन पॉइंट जो हेड होते हैं
वो किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते, वो देखते हैं पीछे से ऑर्डर गया है, ऑर्डर को फॉलो करो। सर हमारा कसूर नहीं है, वाम का कसूर होता है, मुसलमान का कसूर नहीं है इसमें। मुसलमान का कसूर होता है कि ये बोलते नहीं है। अब आजकल का मुसलमान मुसलमान है पूरा, आजकल का मुसलमान इसकी कंडीशन है। कौन से कंट्री का कौन सा मुसलमान आपको पता है? मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, पाकिस्तान का मुसलमान पूरा मुसलमान है। आपको पता है जब से ये इंटरनेट वगैरह जो पूरी दुनिया में छा गया ना, इंटरनेट तो आप इंटरनेट कलम की तरह है, आप उस कलम से चाहे सीधा लिखो चाहे उल्टा लिखो, उसके ऊपर लव लेटर लिखो चाहे उसके ऊपर आप कोई अच्छी बात लिखो, कलम का भी ऐसे ही तो इंटरनेट को भी आप बुरा नहीं कह सकते। ये आप तो आप ये अब ये आप ही नहीं कह सकते कि मुसलमान कमजोर है। जी जी जी, मुसलमान इज पावरफुल, ठीक है। किस बात से सर? किस बात से? अगर ईमान हो ना तो सब कुछ हो ना। मुसलमान का मतलब है ईमान वाला होना, अगर ईमान है कायम है आपका तो आप पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकते हैं, ठीक है। सर देखिए कि ईमान कमज़ोर ईमान मजबूत होने की सबसे बड़ी निशानी यह है कि आप सारी अकलियतों को उनका बराबर पूरा पूरा हक दो कि भाई आपके आपका अपना मुल्क है, आप जैसे मर्जी जीना चाहो तो आप जी सकते हो। क्या अकलियतों का क्या यहाँ पर मंदिर बनने से हमारे ईमान पर कोई असर पड़ता या पड़ता है? जी किस चीज़ से पड़ता? कुफार है, कुफार के कई ऐसे मुल्क हैं जिधर अजान देना लाओ नहीं है, ठीक है। तो अब आप कह रहे हैं कि इधर मंदिर बनने से हम, अगर हम उन जैसे होंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क होगा? क्या फर्क होगा? जब से तलवार छोड़ी है तो हम काफर हैवी हो गए आप लोगों पर। सर मारते रहो तो काफर ठीक रहते हैं, अपनी पकात में रहते हैं। अब ये सोए हुए शेरों को मत छेड़ो, तलवार का दौर थोड़ा आगे आ जाए सर। सोए हुए शेरों को मत छेड़ो सर, शेर देखे तलवार का दौर खत्म है अभी, तलवार का दौर खत्म है ना अभी, दिमाग का दौर है, साइंस का दौर है, वो नई टेक्नोलॉजी। आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। देखे मेरे नबी, मैं पहले मेरी छोटी सी बात सुन ले। जब मेरे नबी इस दुनिया में थे ना तो उन्होंने उस टाइम के मुताबिक तैयारी की, जब लोग तरवालों से लड़ते थे, जब लोग हथियारों से लड़ते थे, तो अब के टाइम की अगर मैं बात करूं तो अब सारी टेक्नोलॉजी का दौर है सर। हम टेक्नोलॉजी से इसी मेंटेलिटी से हम टेक्नोलॉजी से दुनिया से हजारों साल पीछे हैं। कौन सी गाड़ी मेरी बात सुने, 5G 6G 7G लॉन्च होगी, हमें नहीं पता होगा 5G 6G 7G क्या है। जनरेशन हैं जो कि इंडिया ने अचीव कर लिया है, इंडिया बन गया। अब आप सोच नहीं सकते कि वो 5G क्या चीज़ कर सकती है, कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, वो गाड़ी आप लंदन में चला रहे हो तो वो चल के पाकिस्तान में चल रही होगी। इस किस्म से हम टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है और दुनिया हम इसी मेंटेलिटी से कि सर जहाद फर्ज है मुसलमान पर। मैं मानता हूँ कि हमें भी जहाद करना, आपको भी जहाद करना, लेकिन उस किस्म की तैयारी तो करनी चाहिए ना। अगर हम जहाद के लिए निकले और वो हम दुश्मन हमसे हज़ार गुना पावरफुल हुए तो हमारे जहाद किस काम का आएगा? आप मुझे बताएं, मुसलमान को उस किस्म से तैयारी करनी चाहिए या नहीं कि अपने को हर वक्त तैयारी जंग के लिए? खाली जंग के लिए नहीं सर, प्यार के लिए, इखलाक के लिए। जो मेरी बात सुने, कभी भी तैयार होना चाहिए, जहाद के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन कश्मीर वालों से पूछे, कश्मीर ना हमारे साथ आना चाहता है ना वो इंडिया के साथ जाना चाहता है, वो तो कहते हैं हम अलहदा मुल्क बनाएंगे अपना। आप कश्मीर की वजह से अपने मुल्क, हम कश्मीर की वजह से सारा मुल्क तबाह कर रहे हैं। लेकिन कश्मीरी टॉपिक जो कश्मीर वाले वो तो कहते ही नहीं हम पाकिस्तान के साथ रहना, वो रहेंगे यार, वो हमारे भाई हैं। अच्छा बस टॉपिक है ना, जो टॉपिक सर मैं टॉपिक हम वापस टॉपिक पे आते हैं अपने टॉपिक आप जी बिल्कुल हम वापस टॉपिक पर आते हैं सर। एक मिनट आप भी आगे आइए जरा, आपका टॉपिक थोड़ा सा आगे है ना, थोड़ा इधर आ जाए प्लीज सर। क्या पाकिस्तान में मंदिर बनने से क्या हमारे ईमान कमजोर होते हैं? क्या हमें हम पर फर्क पड़ता है? क्या मुसलमान का ईमान इतना कमजोर है कि एक मंदिर बनेगा तो हम पर वो हावी हो जाएंगे हिंदू सारे आकर? आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम भी मुसलमान जो भी है, हिंदू है, ईसाई है, कोई सिख है, उससे प्यार करें, ठीक है। प्यार से उससे प्यार करेंगे और अच्छा अखलाक करेंगे तो वो आपके साथ आ जाएगा, लेकिन उससे नफरत करेंगे तो वो दूर दूर हो जाएगा। हमारे नबी ने दुनिया में आते साथ ही सिर्फ ये सिखाया कि मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। हिंदू एक औरत जब गली से गुजरती थी ऊपर कूड़ा फेंकते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, एक दिन नहीं फेंका तो पता लेने गए कि क्या वजूहत है, बूढ़ी अम्मा तूने मुझ पर कूड़ा क्यों नहीं फेंका? तो वो बताने लगी कि मेरी तबीयत खराब है, मैं बीमार हूँ तो इसलिए मैंने कूड़ा नहीं फेंका। उसने जब बताया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ तो उसने ईमान कबूल कर लिया इस वजह से, इखलाक की वजह से। क्या खाली जहाद, क्या खाली जंग का ये समझते हैं? इंडिया में कितनी ज्यादा मस्जिदें हैं सर आपको पता है? एक बात बताऊँ आपको, उन जैसे होंगे तो हम में और उनमें क्या फर्क होगा? जब से तलवार छोड़ी है तो हम काफर हैवी हो गए आप लोगों पर।
मारते रहो तो काफर ठीक रहते हैं, अपनी पकात में रहते हैं। शेरों को मत छेड़ो। तलवार का दौर थोड़ा आगे आ जाए सर, अभी तलवार का दौर खत्म है ना, अभी दिमाग का दौर है, साइंस का दौर है, वो नई टेक्नोलॉजी आ गई। आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। बहुत गलत काम, इसमें गलत क्या है, गलत का इसमें गलती क्या कहाँ हो रही है? क्या मंदिर बनने से हमारी इबादत कम होगी? क्या मंदिर बनने से हम मुसलमान नहीं रहेंगे? क्या मंदिर बनने से हमारी नमाज कबूल नहीं होगी? क्या मंदिर बनने से अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाएगा? इसमें क्या कुछ शॉर्टकट होगी? आप अपने तरफ से कुछ बताना चाहेंगे? तबाह कर रहे हैं, लेकिन कश्मीरी टॉपिक जो कश्मीर वाले वो तो कहते ही नहीं हम पाकिस्तान के साथ रहना, वो रहेंगे रहेंगे यार, वो हमारे भाई हैं। सर क्या पाकिस्तान में मंदिर बनने